आज हम बनाने जा रहे हैं कटोरी चाट। सबसे पहले हम उसकी कटोरी रेडी करेंगे। उसके लिए हम मैदा लेंगे। हमने 1/2 किलो मैदा लिया है। उसके टेस्ट के हिसाब से हम नमक डालेंगे। 2 चम्मच हम तेल डालेंगे। तेल को हमने गरम करके लिया है। सबसे पहले हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह इस तरह मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और उसका एक डो तैयार करेंगे। इस तरह से हमें इसे गूंद लेना है। हमें इसे न ज़्यादा सॉफ्ट न ज़्यादा हार्ड, इस तरह से इसका तो गूंद लेना है। सबसे पहले हम इसके इस तरह से छोटे पेड़े बनाएंगे। और इसे हम बेल लेंगे। हमें इसे ना ज़्यादा पतला बेलना है ना मोटा। मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरह बेलना है। इसे हमें इस तरह से इसकी गोल रोटी बेल लेनी है। आप देख सकते हैं इस तरह इस साइज का हमें बेलना है। हमने एक इस तरह से स्टील की एक कटोरी ली है। हमें इसे इस तरह इस पर रखना है और इस तरह इसे फोल्ड करते जाना है। हमें इसे एक फोक की मदद से इस तरह इस पर करते जाना है। अब हमें ये वाला हिस्सा इस तरह से अंदर का निकाल देना है। हमने पहले से ही तेल गरम करने के लिए रख दिया था। अब ये कटोरी हम इस तेल में डालेंगे। ये खुद ब खुद जब कटोरी पक जाएंगी तो स्टील की कटोरी आराम से छोड़ देंगी। अब हम इसे गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। जब ये इस तरह से गोल्डन हो जाए तब हम इसे निकाल लेंगे। हमें सारी कटोरियां इसी तरह बना लेनी है। हमने सारी कटोरी को इस तरह तैयार कर लिया है। अब हम कटोरी चाट तैयार करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें काबुली चने का लगड़ा शामिल करेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी प्याज, टमाटर, फिंगर चिप्स
रेड चटनी, चटनी चाट मसाला, काला नमक, रेड चिली पाउडर, दही, ये कटोरी चाट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करो और अपनी फैमिली के साथ शेयर करो।